दिव्यांश हालती कर रहा सबकी। मेरा दिव्यांश भी खा रहा है मजे से। हेलो गाइस, मैं हूँ हेमा सामंत। मेरे चैनल में आपका स्वागत है। मेरा सभी बड़ों को प्यार भरा प्रणाम। आज ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ मैं 7 बजे से, और आज हम लोग कर रहे हैं कन्या पूजन। और आज मेरी सासू का जन्मदिन भी है और हम लोग कीर्तन भी कर रहे हैं। और मेरा दिव्यांश भैरव बना है। मेरा दिव्यांश भैरव बनेगा, इसको मैं तैयार कर लेती हूँ और खुद भी तैयार हो जाती हूँ। अभी कन्या आने वाली है। मेरा दिव्यांश हीरो बनेगा आज। क्यों, मैं तैयार हो चुकी हूँ और कन्याएं भी आ गई हैं। तैयार हो गई हूँ और भी तैयार हो गए। रिया भी मम्मी बहुत सुंदर लग रही है। और रिया भी तैयार हो चुकी है और रिया अपने दोस्तों को लेके आई है। देखो हमारा भैरव तैयार हो गया। हेलो बाबा जी। और ये सब रिया के दोस्त हैं। चलो मामी, हम आपकी मौसी की बेटी को लेके आए। चलो फोन कर रही हूँ मैं, रुको। हाँ, और हमारी पूरियां भी बन चुकी हैं और छोले। ये है आम की चटनी और ये थालियों में डाल दिया थोड़ा बहुत, अब पूरी डालनी बाकी बची है। तो गाइस, आज मम्मी का बर्थडे भी है। हैप्पी बर्थडे मम्मी। थैंक यू। और दिव्यांश आज अम्मा का बर्थडे, हैप्पी बर्थडे नहीं बोल रहा है। अब बड़ा होके बोलेगा, ठीक है। लोग अब कर लेते हैं कन्या पूजन। सारी कन्याएं आ चुकी हैं। ये मेरा दिव्यांश है। दिव्यांश ये मेरा दिव्यांश भैलव बना है और सभी कन्याएं। अरे तभी अच्छा नहीं आ रहा है, ये देखो अब अच्छा आ रहा है। दिव्यांश हालती कर रहा सबकी। चलो हमारा कन्या पूजन हो गया और हम लोग कन्याओं को खाना खिलाते हैं। मेरा दिव्यांश भी खा रहा है मजे से। इसकी थाली कहाँ है हर्षी? हमारा कन्या पूजन हो चुका है और सब लोग चले गए खाके, और दिन में करेंगे कीर्तन। दिव्यांश भी जा रहा है क्या? नहीं तो ये छोटा बच्चा कहाँ जाएगा? देखो कहीं नहीं बुलाया। बुलाओ के जाएगा। हाँ बाबा चलो फिर। अब क्यों दास बैठा है? मैं बाबू और मैं जाएंगे यहाँ भी घूमी घूमी। ठीक है। दिव्यांश और दिव्यांश की आमा कर रहे हैं मस्ती, क्योंकि कन्याएं तो चले गई और दिव्यांश को किसी ने बुलाया ही नहीं। चलो अब मैं फोटो खींच रही हूँ। अभी शाम के 3 बज चुके हैं और अब हो रहे हैं हमारे घर में कीर्तन। तो दिव्यांश को भी तैयार कर रखा है मैंने, क्योंकि ठंडा होने लग गया, इसको मैंने गर्म कपड़े पहना लिए।
और दिव्यांश और मैं जाते हैं अब कीर्तन में। दिव्यांश दिव्यांश अभी छोके उठा है इसलिए थोड़ा छकर इसकी उदास वाली लग रही है। क्यों स्माइल कर लो, ये मेरे हीरो की स्माइल। तो गाइस हमारे घर में होने लगे कीर्तन, अभी थोड़े ही लोग आए हैं तो थोड़ी देर में आएंगे। मेरा दिव्यांश भी कर रहा है कीर्तन, भजन गा रहा है भगवान जी के। देखो इन लोगों का पोज। तो गाइस देखो इनको बचपना सूझ रहा है, बुढ़ापा आ गया। हर्षी और रिया की डिमांड थी कि हमारे लिए मोमो और चाउमीन चाहिए, तो यहाँ अभी दुकान वाले हैं नहीं तो ये लोग बैठे हुए हैं, उसके बाद जाएंगे हम पेस्ट्री लेने। ठीक है, हाँ तभी तो सब लोग हमारी नानी को कमेंट में विश कर देना। तो गाइस हम लोग निकल चुके हैं पेस्ट्री लेने, जल्दी आओ रे। हाँ।
गाइस हम लोग पहुंच चुके हैं केक की दुकान में। श्रिया लोग ले रहे हैं आइसक्रीम, ये लोग जिद कर रहे थे तो मैं दिलवा देती हूँ। लोग पहुंच चुके हैं पेस्ट्री लेके और चाउमीन लेके। और क्या है रिया? ये चाउमीन और मैक्रोनी। मैक्रोनी और रिया लोग कर रहे हैं पार्टी, क्योंकि हम लोग दिखा सकते हैं क्योंकि हमारा बर्थडे है तो रिया लोग खा रहे हैं। ये देखो हमारा जूसी सामान, जूसी जूसी। और मेरा दिव्यांश भी बैठ चुका है पर इसको खिलाएंगे नहीं, इसको पेस्ट्री खिलाएंगे। इसके लिए आइए पेस्ट्री। चलो चलो खाएगा मेरा बच्चा, मेरा बच्चा खाएगा। मेरा दिव्यांश नहीं खाएगा बोल के रोने लग गया। पेस्ट्री कहाँ है? कितनी है पेस्ट्री? हाँ दिव्यांश हैप्पी बर्थडे आमा बोल, आमा हैप्पी बर्थडे बोल। लो ये दे दो। मेरा दिव्यांश खाने लग गया मजे से पेस्टी। अभी ला रही हूँ रुको। नानी के बर्थडे की पार्टी। तो गाइस हम लोग अपना ब्लॉग अभी यहीं पे खत्म करते हैं, मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। मेरा दिव्यांश तो पहले से ही बोलता है सबको बाय, अभी वो खाने में बिजी है, सब लोग बिजी हैं।